अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन, वी आर रीडिंग अवर चैप्टर नंबर टू ऑफ कंप्यूटर बुक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिस्टम सॉफ्टवेयर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओपन योर बुक, पेज नंबर 22, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Let us first understand the definition of application software, then we read its two different types. Application software. An application is a specific task that you wish to perform using a computer, such as writing a letter, using graphics, drawing calculations, etc. देखिए, एक application का मतलब होता है कोई एक task complete करना। अब एक application software एक specific task आपका complete करेगा कंप्यूटर के ज़रिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेटर राइटिंग के लिए, यानी टाइपिंग के लिए, टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। या आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। या आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स के सम्स करने हैं। तो एक टाइप का वर्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अब इसकी भी दो टाइप हैं, पैकेजेस, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट टाइप, पैकेजेस। पैकेजेस, सिंस अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वास्ट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू डिवेलप अ सॉफ्टवेयर फॉर एवरी एप्लीकेशन। सम जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आर रिटन विद सम फ्लेक्सिबिलिटीज दैट कैन बी यूज बाई डिफरेंट यूजर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखें, कंप्यूटर जो हमारा बनाया गया है उसके ज़रिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम डिफरेंट एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें डिफरेंट ही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अलग-अलग से हर एप्लीकेशन के लिए जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन हमें चाहिए होती है, यानी आम तौर पर इस्तेमाल के लिए जो सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत है, जिन एप्लीकेशन की ज़रूरत है, अगर वो हम अलग-अलग सॉफ्टवेयर परचेज़ करें, बनाएँ और परचेज़ करें, तो वो इतना सही नहीं होगा। उसकी जगह जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो है ना, आपको पैकेजेस की फॉर्म में मिलते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर आपको पैकेज में मिलेंगे। पैकेज में कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो आपकी जो नॉर्मल नीड्स हैं एक यूज़र की, यानी एक आम यूज़र जो कंप्यूटर का है, उसको जो जो ज़रूरत है कंप्यूटर के इस्तेमाल की, वो उसमें आपको मिल जाएंगी। सम मेजर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन पैकेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर आर। अब पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में जो कैटेगरीज़ हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन पैकेजेस की, उनमें है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इनको हम डिटेल देख लेते हैं वन बाय वन। नंबर वन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Word processing software is a software package which is used to process text to create, organize and format a document. अब ये software जो होंगे जिनको हम word processing software कह रहे हैं, ये वो software packages हैं जिनमें आप text के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको process कर सकते हैं, यानी आप एक organized और formatted document बना सकते हैं, जैसे casebook का page है, ठीक है। Most of the word processing packages today allow the insertion of graphics and picture in addition to providing facilities for adding color effects to make the document attractive and communicative. आजकल जितने भी word processing software हैं वो user को facility देते हैं कि text की formatting के अलावा, उसके color, उसके effect के अलावा, आप उसमें pictures, graphics, charts वगैरह insert कर सकते हैं। Example of popular word processing packages are, आप दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल हैं इस वक्त वर्ड प्रोसेसिंग, जिनमें से वर्ड पैड है, वर्ड परफेक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेट्रा। इनमें से वर्ड पैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कर चुके हैं। ये तो वन टाइप हो गई एप्लीकेशन पैकेजेस की। सेकंड टाइप है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेजेस हेल्प इन परफॉर्मिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेजेस कौन से हैं जिनके ज़रिए हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल के जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं।
Electronic spreadsheet consists of rows and columns forming cells in which data can be entered, manipulated, calculated and analyzed as needed. अभी ऐसे डिज़ाइन ही हो ही भी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये कंसिस्ट होती हैं रॉज में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, एंड कॉलम्स में वर्टिकल, और उनकी इंटरसेक्शन से सेल्स बन रहे होते हैं. सेल में डेटा इंटर होता है और वहीं पर वो मैनिपुलेट हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, फार्मूले होते हैं, ठीक है. तो ये ज़्यादा अकाउंटिंग के काम में ये यूज़ होती है, ये आगे जाके आप करेंगे. An important feature of electronic spreadsheet is that you can enter a formula that refer to different cell in the spreadsheet. अब इसका सबसे important feature ये है electronic spreadsheet का कि आप उसमें formula insert कर सकते हैं. The computer calculator enter the result in the proper position. If the number in the cell are changed later, the electronic spreadsheet will automatically recalculate the formula and enter the new result. अब उसमें आपने स्प्रेडशीट में आपने फार्मूला लगाया और डेटा दिया, नंबर दिए, वो फौरन वहाँ पर जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया उसका रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है. लेकिन वो जो आपने डेटा या नंबर दिए अगर आप उसको चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट स्प्रेडशीट, इतना सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है कि खुद चेंज कर देगा, ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर सेकंड टाइप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ये आप इसी क्लास में करेंगे, आगे जाके इसके प्रैक्टिकल भी फिर और आपके क्लियर हो जाएगा. अब इसकी एग्जांपल में है लोटस 1-2-3, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड क्वास्टो प्रो. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे हम क्योंकि हम सारे एमएस के सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, एमएस ऑफिस के. अब थर्ड पैकेज है हमारे पास प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. The software package that are used to create presentations by incorporating text, graphics, animation, sounds and video etc. are called presentation graphics software. अब कौन से software कहलाएंगे presentation graphics software, ठीक है, वो हैं जिनमें हम presentation बना सकते हैं और उसके अंदर शामिल हो जाएगा presentation एक आपकी include हो सकती है, उसमें text भी होगा, picture भी है, animation यानी moving picture भी है, sound और video भी हो सकती है, ठीक है. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्प करते हैं वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. उनमें इम्पॉर्टेंट हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है यानी ऑफिस पैकेज में, लिब्री ऑफिस, इम्प्रेस, स्विश मैक्स एक्सेट्रा. ये हम क्लास 6 में कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ये थर्ड टाइप हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है, पैकेज की. अब एप्लीकेशन पैकेज की फोर्थ टाइप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS. आ DBMS इज़ अ पैकेज यूज फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस. अब DBMS सिस्टम क्या होता है, कैसा पैकेज है जो एक डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है असल में, और डेटाबेस क्या है, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हुआ हुआ होता है. तो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जिसमें बहुत डेटा स्टोर हुआ हुआ एक सिस्टम है जो हमारा कहलाता है DBMS. इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है फॉक्स प्रो, ठीक है, डीबेस 3+, ओरिकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में है, ठीक है. अब इसकी लास्ट यानी फिफ्थ टाइप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दीज आर द सॉफ्टवेयर पैकेज दैट हैंडल पेज लेआउट बाय कंबाइनिंग द फंक्शंस ऑफ अ टाइप सेटर एंड लेआउट आर्टिस्ट. अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पेज लेआउट बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है. अगर आपको पेज लेआउट डिज़ाइन करना है किसी का कवर वगैरह का, ठीक है, तो उसमें ये यूज़ हो रहा होता है. ये फंक्शन इसमें कंबाइन है टाइपसेटर के और लेआउट आर्टिस्ट के. एग्जांपल में आ रहे हैं क्वार्क एक्सप्रेस, कोरल ड्रॉ, एडोब इनडिज़ाइन एक्सेट्रा, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए पैकेजेस. हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो में डिवाइड किया पैकेज और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में. पैकेजेस को हमने 5 में डिवाइड किया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. ये अभी तक हमने क्या कवर किया है, एप्लीकेशन पैकेजेस. अब आ जाएँ उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेकेंड टाइप, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ टेलर मेड टू द नीड ऑफ द यूज़र. अब कस्टमाइज से ही पता चल रहा है
जो पैकेजेस थे वो तो रेडीमेड थे, ठीक है ना, वो आपने पैकेज एक सीडी की फॉर्म में ख़रीद लिया। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज ख़रीदा तो उसमें आपको डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो डिफरेंट एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या है, टेलर मेड, यानी रेडीमेड की तरह नहीं है। जैसे आप टेलर के पास जाते हैं तो अपने हिसाब से अपने क्लोथ डिज़ाइन करवा लेते हैं, ठीक है, सिलवा लेते हैं। तो टेलर मेड का मतलब ये कि आप अपनी रिक्वायरमेंट, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाएगा, या आपको मार्केट से नहीं मिलेगा बल्कि आपको सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोग्रामर से बनवाना पड़ेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर। द सेम सॉफ्टवेयर वुड नॉट सूट बोथ दिस यूज़र। इन सच केसेस कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी बिल्ट विच वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल यूज़र्स। देखें, इसकी एग्जाम्पल इन्होंने जैसे दी कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर फ़र्क होती है, नीड्स होती है यूज़र की, वो अपने हिसाब से बनवाते हैं। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, और एक है डिपार्टमेंटल स्टोर, तो दोनों की रिक्वायरमेंट और नीड्स फ़र्क है। तो एक ही सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री कंट्रोल का ऑटोमोबाइल कंपनी में और डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं चल सकता, ठीक है, इनपुट आउटपुट फ़र्क है, रिक्वायरमेंट फ़र्क है। तो इसके लिए उनको बनवाना पड़ेगा, वो अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ करवाएंगे, अपनी नीड बताएंगे, उस पर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बना देते हैं इंडिविजुअल नीड के मुताबिक। द यूज़र कैन स्पेसिफाई व्हाट ऑल ही रिक्वायर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी बिल्ड टू अकम्पलिश स्पेसिफिक टास्क। अब यूज़र बताएगा अपनी नीड और सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से बन जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बनते हैं, उनको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए, वो हमारे पैकेजेस कहलाते हैं। तो यहाँ क्लास हमारे आज का टॉपिक एंड होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमने दो टाइप डिस्कस कर ली हैं, पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर की थर्ड टाइप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।